हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, हरिप्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। इसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार राजेंद्र सिंघा का 50वां जन्मदिन था। इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया था। हालांकि जब राष्ट्रभाषा के रूप में इसे चुना गया और लागू किया गया तो अहिंदी भाषी राज्यों के लोगों ने इसका विरोध किया और अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। इसी कारण हिंदी में भी अंग्रेजी शब्द का प्रभाव बढ़ने लगा। हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं। इस दिन छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी के उपयोग करने आदि की शिक्षा दी जाती है, जिसमें हिंदी निबंध लेखन, वाद विवाद, हिंदी टंकड़ प्रतियोगिता आदि होता है। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करने हेतु भाषा सम्मान की शुरुआत की गई। यह सम्मान प्रतिवर्ष देश के ऐसे व्यक्तित्व को दिया जाएगा जिसने जन जन में हिंदी भाषा के प्रयोग एवं उत्थान के लिए विशेष योगदान दिया है। इसके लिए सम्मान स्वरूप 101,000 रुपये दिए जाते हैं। हिंदी में निबंध लेखन प्रतियोगिता के द्वारा कई जगह पर हिंदी भाषा के विकास और विस्तार हेतु कई सुझाव भी प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन अगले दिन ही सभी हिंदी को भूल जाते हैं। हिंदी भाषा को कुछ और दिन याद रखें, इस कारण राष्ट्रभाषा सप्ताह का भी आयोजन होता है, जिससे यह कम से कम वर्ष में एक सप्ताह के लिए तो होती ही है। हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी पूरी दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन उसे अच्छी तरह से समझने, पढ़ने और लिखने वालों में यह संख्या बहुत ही कम है। यह और भी कम होती जा रही है। इसके साथ ही हिंदी भाषा पर अंग्रेजी के शब्दों का भी बहुत अधिक प्रभाव हुआ है और कई शब्द प्रचलन से हट गए हैं और अंग्रेजी शब्द ने इनकी जगह ले ली है, जिससे भविष्य में हिंदी भाषा के विलुप्त होने की संभावना और अधिक बढ़ गई है। इस कारण ऐसे लोग जो हिंदी का ज्ञान रखते हैं या हिंदी भाषा जानते हैं, उन्हें हिंदी के प्रति अपने कर्तव्य का बोध करवाने के लिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे वे सभी अपने कर्तव्य का पालन कर हिंदी भाषा को भविष्य में विलुप्त होने से बचा सकें। लेकिन लोग और सरकार दोनों ही इसके लिए उदासीन दिखती हैं। हिंदी तो अपने घर में ही दासी के रूप में रहती है। हिंदी को आज तक संयुक्त राष्ट्र सभा की भाषा नहीं बनाया जा सका। इसे विडंबना ही कहेंगे कि योग, जिसको 177 देशों ने समर्थन दिया, लेकिन हम हिंदी के लिए 129 देशों का भी समर्थन नहीं जुटा पाए। हालात ऐसे आ गए हैं कि हिंदी दिवस के दिन भी कई लोगों को ट्विटर पर हिंदी में बोलो जैसे शब्द का उपयोग करना पड़ रहा है। हिंदी भाषा का उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों को रूबरू कराना है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे, तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता है। इस एक दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो वर्ष भर हिंदी में अच्छे विकास कार्य करता है और अपने कार्य में हिंदी का अच्छी तरह से उपयोग करता है, उसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। कई लोग अपने सामान्य बोलचाल में भी अंग्रेजी भाषा के शब्दों का या अंग्रेजी का उपयोग करते हैं, जिससे धीरे धीरे हिंदी के अस्तित्व को खतरा पहुंच रहा है। जिस तरह से टेलीविज़न से लेकर विद्यालयों तक और सोशल मीडिया से लेकर निजी तकनीक संस्थानों, निजी दफ्तरों तक में अंग्रेजी का दबदबा कायम है,
उससे लगता है कि अपनी मातृभाषा हिंदी धीरे धीरे कम और फिर दशकों बाद विलुप्त ना हो जाए। यदि शीघ्र ही हम छोटे छोटे प्रयासों द्वारा अपनी मातृभाषा हिंदी को अपने जीवन में एक अनिवार्य स्थान नहीं देंगे तो यह दूसरी भाषाओं से ही रही स्पर्धा से बहुत पीछे रह जाएगी। यहाँ तक कि वाराणसी में स्थित दुनिया में सबसे बड़ी हिंदी संस्था आज बहुत ही खस्ता हालत में है। इस कारण इस दिन उन सभी से निवेदन किया जाता है कि वे अपने बोलचाल की भाषा में हिंदी का ही उपयोग करें। इसके अलावा लोगों को अपने विचार आदि को हिंदी में रखने को भी कहा जाता है। क्योंकि हिंदी भाषा में लिखने हैं तो बहुत कम उपकरण के बारे में लोगों को पता है, इस कारण इस दिन हिंदी भाषा में लिखने, जांच करने और शब्दकोश के बारे में जानकारी दी जाती है। हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ लोगों द्वारा कार्य करने से कोई खास लाभ नहीं होगा। इसके लिए सभी को एकजुट होकर हिंदी के विकास को एक नए आयाम तक पहुंचाना होगा। हिंदी भाषा के विकास और विलुप्त होने से बचाने के लिए यह अनिवार्य है। हिंदी सप्ताह 14 सितंबर से एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है। इस पूरे सप्ताह अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन विद्यालय और कार्यालय दोनों में किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य हिंदी भाषा के लिए विकास की भावना को लोगों में केवल हिंदी दिवस तक ही सीमित ना कर उसे और अधिक बढ़ाना है। इन 7 दिनों में लोगों को निबंध लेखन आदि के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और उसके उपयोग से लाभ और ना उपयोग करने पर हानि के बारे में समझाया जाता है। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने हेतु पुरस्कार समारोह का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें कार्य के दौरान अच्छी हिंदी का उपयोग करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पहले राजनेताओं के नाम पर था, जिसे बाद में बदलकर राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार कर दिया गया। राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार लोगों को दिया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार किसी विभाग या समिति को दिया जाता है। यह पुरस्कार तकनीकी या विज्ञान के विषय पर लिखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को दिया जाता है। इसमें 10,000 से लेकर 2,00,000 रुपए के 13 पुरस्कार होते हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 2,00,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 1,50,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वालों को 75,000 रुपए दिए जाते हैं। साथ ही 10 लोगों को प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार प्राप्त सभी लोगों को स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना है। राजभाषा और गौरव पुरस्कार, यह पुरस्कार तकनीकी व विज्ञान के विषय पर लिखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को दिया जाता है। वहीं पर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, इस पुरस्कार के योजना के तहत कुल 31 पुरस्कार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार किसी समिति, विभाग, मंडल आदि को उसके द्वारा हिंदी में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा का उपयोग करने से है। कई हिंदी लेखकों और हिंदी भाषा जानने वालों का कहना है कि हिंदी दिवस केवल सरकारी कार्य की तरह है, जिसे केवल एक दिन के लिए मना दिया जाता है। इससे हिंदी भाषा का कोई विकास नहीं होता, बल्कि इससे हिंदी भाषा को हानि ही होती है। कई लोग हिंदी दिवस समारोह में भी अंग्रेजी भाषा में लिखकर लोगों का स्वागत करते हैं। सरकार इसे केवल यह दिखाने के लिए चलाती है कि वह हिंदी भाषा के विकास हेतु कार्य कर रही है। स्वयं सरकारी कर्मचारी भी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी का कार्य करते नजर आते हैं। लेकिन कुछ लोगों की सोच यह भी है कि विविध कारण बताकर हिंदी दिवस मनाने का विरोध करने और मजाक उड़ाने वाले यह चाहते हैं कि हिंदी के प्रति रही सही अपनत्व की भावना भी समाप्त की जाए। सो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई हिंदी दिवस की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और प्लीज़ मेरे चैनल दीप छाया डी फारसी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे द्वारा डाली गई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।